आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का रण छिड़ गया है। सभी राजनीतिक दल अब चौथे चरण की वोटिंग के लिए तैयारियां कर रहे हैं। इसी क्रम में सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ एक चुनावी सभा को संबोधित करने लखीमपुर खीरी पहुंचे। लखीमपुर खीरी में सीएम योगी ने बीजेपी की योजनाओं को गिनाते हुए सपा पार्टी पर जमकर हमला बोला। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने नामांकन के बाद आज गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर पहुंचते ही भीम आर्मी चीफ ने डोर टू डोर कैंपेनिंग की। इस दौरान गोरखपुर में पहुंचने के बाद भीमराव अंबेडकर के मूर्ति पर माल्यार्पण किया। चंद्रशेखर ने सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ में और योगी आदित्यनाथ के आवास के ठीक बगल में कैंपेनिंग शुरू कर वोट मांगा। उन्होंने आगे कहा कि जब जनता के बीच पहुंचूंगा, उनके सामने अपनी बात रखूंगा, तभी जनता तय कर पाएगी कि उनके लिए अच्छा प्रत्याशी कौन है। 1998 से लेकर 2014 तक योगी आदित्यनाथ यहां पर सांसद रहे हैं और 5 साल मुख्यमंत्री रहे। क्या दिया उन्होंने गोरखपुर को? देखिए, मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूं, मैं यहां प्रत्याशी हूं और मुझे लगता है कि जब मैं जनता के बीच जाऊंगा, अपनी बात रखूंगा, तभी वो तय करेंगे कि उनका अच्छा प्रत्याशी कौन है। और 98 से लेकर 2014 तक योगी आदित्यनाथ यहां सांसद रहे हैं इस जिले में, और बेसिकली गोरखपुर में क्या हाल आप देख लीजिए। और उसके बाद वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे। बताइए, 4 महीने डूबता नहीं डूबता गोरखपुर। 324 बच्चों की जान गई है दिमागी बुखार से, उनका हिसाब तो देना पड़ेगा ना। ये अगर आप यहाँ प्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको वोट दिया, तो आपने उनके लिए किया क्या? रोज यहाँ आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म में मरने के बाद व्यक्ति जलाया जाता है, लेकिन गोरखपुर में दफना रहे हैं 2 बच्चे, वो उनको मार के देखो दफना दिया, अभी एक और आदमी को परसों मार के दफना दिया। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? आपने जो गुंडा राज फैलाया है, वो डर के वजह से लोग इस बार वोट नहीं देंगे। इस बार चंद्रशेखर आजाद यहाँ है, हम अपने मुद्दों पे अपनी बात पे सहमति कराएंगे, लोगों से जनता से पूछेंगे, हम यूनिवर्सिटी जाएंगे, महिलाओं के बीच में जाएंगे, आम लोग गरीबों के बीच में जाएंगे। क्या दिया सरकार ने? और जिस सरकार के मुखिया नहीं दे पाए, तो वो बाकी लोग क्या भरोसा करें? 5 बार से ठगे हैं, 6 बार, इस बार जनता उन पर क्यों भरोसा करें? कहां का मौका चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो नहीं कर पाए। इस बार जनता परिवर्तन चुने, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर यहाँ है, उनको मदद कराए। फतेहपुर में 23 फरवरी को चौथे चरण के होने वाले मतदान के मद्देनजर आज कांग्रेस के स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी फतेहपुर के बिंदकी कस्बे पहुंचे। बिंदकी कस्बे पहुंचने के बाद उनका जोरदार स्वागत किया गया। बिंदकी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अभिमन्यु सिंह के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में बीजेपी को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी में एक मंत्री के बेटे ने जब लोगों पर कार चढ़ा दी, तब वो कौन था? इमरान प्रतापगढ़ी ने यह भी कहा कि जिस जगह जाकर इंसान छोटा लगे, उस बुलंदी पर जाना नहीं चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली के दौरे पर हैं। उन्होंने अपने दौरे के आखिरी दिन प्रियंका गांधी ने सदर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर मनीष सिंह चौहान के समर्थन में रोड शो किया। प्रियंका गांधी के रोड शो में लोगों का जनसैलाब उमड़ा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर प्रियंका गांधी का स्वागत किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली में पहुंच चुकी हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। अपने मां सोनिया गांधी की संसदीय सीट पर आज वो सदर विधानसभा से प्रत्याशी डॉक्टर मनीष सिंह चौहान के समर्थन में वो रोड शो कर रहे हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे लिखाएं, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का एक जनसैलाब उमड़ा हुआ है। वो कहीं ना कहीं जो है वो सदर विधानसभा की जो है एक हवा का रुख बदलने वाला दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि जो जनसैलाब उमड़ा है, ये कहीं ना कहीं जो है ये कांग्रेस में के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भरने का काम कर रहा है। और नज़दीक जाएंगे, हम कोशिश करते हैं बात करने की, एक बार कोशिश करते हैं हम एक बार बात करने की। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मनीष चौहान जो हैं वो प्रियंका गांधी के साथ ही गाड़ी पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो डॉक्टर मनीष चौहान जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी है, ये
प्रियंका गांधी के साथ मंच पर गाड़ी पर सजे हुए हैं। निश्चित कहीं ना कहीं जो है ये माहौल बदलने की एक कोशिश है। ये तो आने वाला परिणाम ही बताएगा कि आगे क्या होता है। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, प्राइम टीवी, रायबरेली। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के दौरान कुरावली ब्लॉक के गांव रसेमर में बूथ संख्या 373 पर सपा प्रत्याशी राजकुमार यादव और भाजपा समर्थकों में जमकर हाथापाई हो गई। बताया जा रहा है कि भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। सूचना पर सदर विधायक राजकुमार यादव वहां पहुंचे, उसी दौरान कुछ लोगों ने विधायक के साथ अभद्रता की। वहीं इस दौरान गाड़ियों के शीशे टूटे और फायरिंग की सूचना भी मिली। मामले की सूचना जैसे ही पुलिस को प्राप्त हुई तो मौके पर पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाई और सपा और भाजपा के एक लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से हिरासत में भी लिया। ये फायरिंग हुई है, हमारी फोर्स सारी चीजें मौजूद हैं और इसको आप देख रहे हैं पीसफुल इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है। कोई नहीं, जो बिघ्न पैदा करने वाले थे उनको थाने बैठा दिया गया है। कितने लोगों को सर आपने हिरासत में लिया है? अब चल रहा है, अभी प्रोसेस है, दो तीन लोग बैठाए गए और भी है। हाथरस में भाजपा नेता कृष्णा यादव के घर के यानी उन्हीं के अपने घर की दूसरी मंजिल पर गोली लगने से घायल होने की खबर सामने आई है, जिसके बाद सनसनी मच गई। आनंद फानंद में परिजन उसे उपचार के लिए अलीगढ़ ले गए, जहां इलाज के दौरान कृष्णा यादव की मौत हो गई। पुलिस अभी मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार भाजपा नेता कृष्णा यादव निवासी मोहल्ला गौसगंज थाना सिकंदरा राव रविवार की दोपहर अपने घर पर दूसरी मंजिल पर थे। बताया जा रहा है कि सिर में गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली कैसे लगी इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह का कहना है कि पुलिस मामले की जाँच कर रही है। देखिए, जनपद हाथरस के थाना सिकंदरा राव क्षेत्र में गौसगंज में एक कृष्णा नामक युवक के घर पे उसको पहली मंजिल पे उसके कमरे में उसे गोली लगने की सूचना थाना सिकंदरा राव पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसे उपचार हेतु परिजनों द्वारा तत्काल ट्रॉमा सेंटर अलीगढ़ ले जाने की बात संज्ञान में आई है। इस सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी सिकंदरा राव तथा थाना प्रभारी सिकंदरा राव द्वारा मौके पर जाकर जाँच की गई। उसके कमरे से, युवक के कमरे से खून के कुछ निशान तथा एक तमंचा और खाली एक खोखा भी पुलिस को वहां से बरामद हुआ है, जिसे पुलिस ने फॉरेंसिक परीक्षण हेतु कब्जे में ले लिया है। पुलिस के उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर जांच कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की संयुक्त टीम के साथ गाजियाबाद पुलिस थाना मसूरी ने संयुक्त कार्यवाही की और अवैध तरीके से अंतर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहे तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। मामले पर एएसपी ने बताया कि नशीले पदार्थ का कंसाइनमेंट नेपाल के काठमांडू से लाया जा रहा था। वहीं दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल से मिली जानकारी के मुताबिक थाना मसूरी ने संयुक्त रूप से संयुक्त टीम के साथ बड़ी कार्रवाई की। टीम बना के जब हम लोगों ने चेकिंग शुरू की तो उसी दौरान ये गाड़ी पकड़ में आई, जो कि रेनो डस्टर है, जिसका नंबर इन्होंने चेंज कर दिया था। और उसी गाड़ी में लगभग 105 किलो के आसपास चरस हमको बरामद हुई है। ये छोटी छोटी ब्रिक्स हैं, लगभग आधा आधा किलो की, ये सभी लगभग इसमें ब्रिक्स हमारी बरामद हुई हैं। एक किलो का दाम लगभग 3 लाख से 4 लाख रुपये के बीच में होता है, तो उस हिसाब से लगभग 4 करोड़ के आसपास की कीमत की ये चरस है। और बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त की दिल्ली पुलिस के इनपुट पर एएसपी साहब की टीम ने और थाना मसूरी को। उन्होंने बताया है कि पहले भी 2-3 बार इन्होंने इस तरह की चीज़ें की हैं। बाकी अभी हम और पूछताछ करेंगे इनको, हम पीसीआर पे लेके और एक्स्ट्रा पूछताछ इनसे की जाएगी, क्योंकि अभी समय कम था, हमें इनको प्रस्तुत करना था कोर्ट में, तो इनसे पीसीआर पे लेके और पूछताछ की जाएगी कि और कौन कौन लोग इनके साथ शामिल हैं और इससे पहले इन्होंने और कितने इस तरह के किए हैं और कहाँ कहाँ इन्होंने सप्लाई दी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।